Hey guys, I'm Sudhif and you are watching Arrive Entertainment. So guys, आज मैंने बहुत ही दिलचस्प चीज़ सोची है कि हमारे देश के अगर प्राइम मिनिस्टर सलमान खान बन जाए, पीएम सलमान खान बन जाते हैं तो हमारे देश में क्या होगा और लोग कितना उनको पसंद करेंगे. सो चलिए मेरे साथ करते हैं बात लोगों से. प्रियांशु गुप्ता, अगर सलमान खान पीएम बनते हैं तो आपका क्या चाहेंगे आप उनसे? सलमान खान उसकी शादी हो जाए पहले. तो पीएम बनेंगे तो क्या चाहेंगे? शादी तो कर ही लेंगे वो. तो पहले पीएम पहले अपना भला कर ले देश का, तो बाद में करेगा ना. अब तक शादी नहीं हुई इसकी. आपका नाम? पूजा. पूजा, अगर एक दिन के लिए सलमान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आपकी उनसे क्या मांग होगी? प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि सलमान खान और प्राइम मिनिस्टर एक डिफरेंट चीज़ें हैं. दोनों अलग अलग लोग हैं. तो अगर सलमान खान प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मेरी क्या मांग हो सकती है? कुछ भी हो सकती है भाई. सलमान खान बनेगा तो फिर क्या सोचना? हमारे कॉलेज में एक बार आ जाओ. फेस्ट होगा तो. आपका नाम? शौर्य. अच्छा, अगर सलमान खान एक दिन के लिए पीएम बनते हैं तो आपका क्या, आपको क्या लगेगा? ओके, सो सिंस सलमान खान इज़ वेरी रिनाउंड एज अ पर्सन, आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंस द मेंटालिटी ऑफ पीपल दैट देर आर मैनी इशूज़. लाइक पहला तो ये है कि जो अमीर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसको लेकर के सब बहुत बोलते हैं कि नहीं अमीर लोगों को क्यों ज़्यादा टैक्स किया जाता है. तो सिंस ही इज़ ऑल्सो वेरी रिच, तो देयरफॉर मैं ये चाहूँगी कि वो जो रिच पीपल है उनको और उनको इन्फ्लुएंस करे कि वो डोनेशन करे, चैरिटी करे, ताकि यू नो सोशल अपलिफ्टमेंट हो उन लोगों का जो बिल्कुल टच में नहीं आ पाते हैं सोसाइटी के. सो दिस ये कर पाएंगे सलमान खान, आपको ऐसा लगता है? या डेफिनेटली ही इज़ केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स माइंड, दैट इज़ व्हाई ही इज सच अ रिनाउंड सुपरस्टार नाउ. आपका नाम? अमन तिवारी. अमन जी, आपको क्या लगता है सलमान खान अगर पीएम बन जाते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए? जी नहीं, वो बॉलीवुड में ही सुटेबल हैं. अच्छा, बन जाते हैं तो क्या करना चाहिए उनको? पहली तो विलेजेस पर ध्यान देना चाहिए उनकी, जैसे कि उन्होंने कई सारे लिए हैं, गोद में लिए हैं, गाँव पे डेवलपमेंट करा रहे हैं. तो और हो सकता है अच्छा भी करें, हो सकता है कि सब पॉलिटिक्स में फंस जाएं, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है. आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है जो उनका ब्लैक बुक वाला पहले मामला था तो मुझे लगता है कि पैसे की वजह से वो बचे हैं. तो ऐसे कोई पॉलिटिशियन जो मतलब ऐसे केसेस में फंसा है एनिमल्स को लेकर के, तो मेरे ख्याल से उनको एनिमल के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अच्छा मतलब कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ करना चाहिए उनको एनिमल्स के लिए. एक दिन मैं रात को बस में थी तो एक बंदा था, मतलब साइड में बैठा था सीट पर, उसने मुझसे बोला कि बसेस में ट्रैवल करना रात को ठीक नहीं है, तो किसी पेरेंट को लेकर चला करो. पेरेंट्स कहाँ तक साथ में चलेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना. तो मुझे बस वही चाहिए ना कि सेफ्टी होनी चाहिए गर्ल्स के लिए काफ़ी. तो देश में अगर हमारे सलमान खान पीएम बनते हैं तो गर्ल्स के लिए सेफ्टी आ जाए? नहीं, मतलब सेफ्टी भी होनी चाहिए. खैर अभी पीएम मोदी से भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये है कि आपको लगता है अगर सलमान खान आ जाते हैं तो ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. तो फिर ये कैसे होगा बताओ? सलमान खान क्या करेंगे फिर बेचारे? अब मैं क्या बोलूँ, आपकी भाई इतनी सी ही बात है और कुछ भी कहोगे? मेरे लिए तो यही सब है. और कुछ सलमान खान के लिए कहना चाहोगे? हाँ, ही इज़ द मोस्ट मतलब अडोरेबल और हैंडसम हंक है वो, मतलब बहुत. तो मतलब पीएम बनना चाहिए? पीएम नहीं, मतलब ये है कि वो अगर एक्टर हैं तो वो अच्छे हैं अपने फील्ड में. खैर मतलब यही कहा जाता है ना कि जिसका काम उसी को साझे, तो जो जिस फील्ड में है वो अच्छा ही कर रहा है. तो सो गाइस, गर्ल्स तो पागल ही हैं सलमान के लिए, और पीएम बन जाएगा तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट जो बॉयज़ हैं वो तो कहेंगे भाई पहले शादी कर ले बाद में देश को संभालना. सो ये था आज का हमारा वीडियो. एंड अगर आप भी इस वीडियो को लेकर कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को टच नहीं किया है तो जल्द ही कर दें. हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे. देखते रहिए अराइव एंटरटेनमेंट.